हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। करंट अफेयर्स करेंगे हम लोग, सेकंड वीक ऑफ मई का करंट अफेयर्स है ये। हम लोग यहाँ वीकली बेसिस करंट अफेयर्स करते हैं, जो लोग नए लोग हैं उनको बता रहा हूँ, और इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिलती रहेगी। मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप चले जाना। और ये जो करंट अफेयर्स होता है ये यूपी पीसीएस और आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इनको स्किप नहीं करना है, ठीक है? इसको जरूर आप लोगों को एक बार विजिट करना है। वीडियो नहीं देख पा रहे हैं आप लोग, पीडीएफ से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है गया BH3। जो नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एक मार देना। देखिए यहाँ पे गया BH3 जो है ये आकाशगंगा में एक विशाल ब्लैक होल है, ठीक है? इसकी अभी रिसेंट में खोज की गई है, डिस्कवरी की गई है, डिस्कवर किया गया है आकाशगंगा में। आकाशगंगा क्या है? ये हमारी गैलेक्सी है। इसका अंग्रेजी नाम मिल्की वे है। मिल्की वे बोल लीजिए या फिर आकाशगंगा बोल लीजिए। इस ब्लैक होल के बारे में क्या है? पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम ब्लैक होल है। सूर्य से 33 गुना भारी है। ये चीज़ नहीं पूछेगा, ठीक है? आपको बस नाम याद रखना है, गया BH3 है क्या, बस ब्लैक होल। ऑप्शन में तो इसी तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग ब्लैक होल सीख लेते हैं थोड़ा, और आकाशगंगा के बारे में आप लोग जानते हैं। आकाशगंगा क्या है या फिर मिल्की वे क्या है? ये हमारी गैलेक्सी है। गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ठीक है? इसमें अरबों की संख्या में तारे हैं, करोड़ों की संख्या में सोलर सिस्टम है। उन्हीं करोड़ों और अरबों सोलर सिस्टम में एक सोलर सिस्टम हमारा भी है, ठीक है? उसी सोलर सिस्टम का एक हिस्सा पृथ्वी भी है। तो इसका मतलब है कि ये जो गैलेक्सी है इसके हम लोग बहुत छोटे से भाग हैं। यानी इसका साइज कितना बड़ा है ये तो पता नहीं है, ये बस अनुमान है, ठीक है? और ये भी नहीं पता है पूरी तरीके से कि ये जो शेप है हमारी मिल्की वे का, ये स्पायरल है, ये भी एक अनुमान है। क्योंकि हम लोग तो यार अंदर ही बैठे हैं ना गैलेक्सी के, गैलेक्सी के अंदर बैठे हैं, और हम लोग अपना पूरा सोलर सिस्टम अभी देख नहीं पा रहे हैं, हम पूरा गैलेक्सी कैसे देखेंगे, है ना? तो यहाँ पे नासा की एक रिपोर्ट है इसके बारे में कि ये गैलेक्सी जो है वो स्पाइरल शेप की है या फिर नहीं है या फिर सिर्फ एक अनुमान है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यह एक अनुमान है, ठीक है? इस रिपोर्ट में खैर कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो साबित करते हैं कि स्पाइरल है। अभी क्वेश्चंस हैं, है ना, इफ एंड बट वाले क्वेश्चंस हैं शेप के ऊपर भी। चलिए ये तो आकाशगंगा के बारे में हो गया था। ब्लैक होल के बारे में क्या है? ब्लैक होल होते क्या है जानते हैं हम लोग। ये एक समय पे स्टार हुआ करते थे, है ना, फिर उनका जीवन खत्म हो जाता है, डेड हो जाते हैं। ये डेड स्टार होते हैं, ठीक है? असाधारण इनका घनत्व होता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण है ये असीमित होता है, इसमें लाइट भी पारगमन नहीं कर सकती है, ठीक है? निर्माण तब होता है जब एक ह्यूज स्टार अपने जीवन के अंत में स्वयं समाप्त हो जाता है, जिससे प्रबल गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अत्यधिक घनत्व यानी डेंसिटी वाले एक होल के रूप में, छिद्र के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है? यही जानते हैं ब्लैक होल। चलिए बाकी स्टार की भी एक लाइफ होती है ना, शुरुआत से लेके गैस गैसियस पिंड से लेके गैस की स्थिति से लेके डेड स्टार तक, ये सारी चीज़ें स्टार की लाइफ साइकिल में होती हैं। समय मिलेगा तो पढ़ लेना, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखें। किस सागर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सागर के सूखने से अरल कम रेगिस्तान का निर्माण हुआ है? खैर नाम आसान है, अरल लिखा हुआ है तो अरल सागर लगा देंगे, लेकिन इसके बारे में भी जानना है। ये इतना ज़्यादा सूख चुका है कि वो अब रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रहा है। आप पिछले 100 सालों से देखेंगे इसकी स्थिति इमेज के फॉर्म में, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये कितना कम हो चुका है, ठीक है? ये लगभग डेजर्ट ही है, अब एक छोटी सी झील के रूप में परिवर्तित हो गया है, सारा पानी सूख गया है। कारण बहुत हैं, क्योंकि जो सप्लाई होती थी पानी की सप्लाई अरल सागर में कैसे होती थी? इससे होती थी, अमूदरिया नदी से और सीर दरिया नदी से। तो अब इनका पानी तो आता नहीं अरल सागर में, ठीक है? इनका पानी नहीं आता है क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो शिफ्ट कर दी गई थी इरिगेशन पर्पस से, ठीक है? ये 1960 से इन नदियों का डाइवर्जन कर दिया गया फॉर इरिगेशन पर्पस। तो अब सप्लाई सागर में नहीं हो पाती, यानी अरल सागर में ये पहले नदियाँ गिरती थी, इनका माउथ कहाँ था? अमूदरिया और सीर दरिया का अरल सागर में था, ठीक है? फ्रेश वाटर यही नदियाँ लाती थी अरल सागर में, इस वजह से सूख गया क्योंकि अब कोई सप्लाई है नहीं। अमूदरिया नदी ये पामिर के पठार से निकलती है, और सीर दरिया जो नदी है ये तियान सान माउंटेन से निकलती है, ठीक? अरल सागर में ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है मैपिंग से, ये किस किस के बॉर्डर पे स्थित है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, कई बार हम लोग पढ़ते रहते हैं। इस रेगिस्तान के निर्माण में मध्य एशिया 7% अधिक धूल युक्त हो गया, इसी वजह से ये न्यूज में था, ठीक है? इसी वजह से तो क्या है, उस रीजन में ये बढ़ रहा होगा PM2.5 PM10 पार्टिकुलेट मैटर्स जो है, हवा में धूल के कण बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डेजर्ट बन गया तो क्या होगा, यही सब होगा। तो ये था अरल कम डेजर्ट के बारे में, अमूदरिया सीख लिया, सीर दरिया सीख लिया। चलिए
देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है, ये 3 मई को मनाया जाता है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नई दिल्ली में इसको मनाया। ठीक है, एक मैराथन भी चल रही है, कैंपेन भी चल रहा है, रन फॉर सन, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रायथू भरोसा योजना, इसका पुराना नाम रायथू बंधु योजना था, ठीक है, रायथू बंधु योजना, ये किस राज्य से संबंधित है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में। बाकी करंट में क्या न्यूज है ये देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना राज्य में लोकसभा चुनाव होने पर इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगा दी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि ये जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है इसका उल्लंघन हुआ होगा, और ये अपने आप में एक डायरेक्शन होता है आदर्श आचार संहिता कि इस ड्यूरिंग आदर्श आचार संहिता है ना, ड्यूरिंग MCC, आप ये सब चीज़ें घोषणा वोषणा योजनाओं की नहीं कर सकते। इसी वजह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से रायतू भरोसा के तहत आगामी वितरण की घोषणा करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। तो ये तो न्यूज वाली चीज़ होगी, हम लोग को याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तेलंगाना राज्य रायतू भरोसा कहाँ की है, तेलंगाना राज्य की। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ें, जल्दी से बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, आर्टिकल 324 से 329। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सौर ऊर्जा उत्पादन परिदृश्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है क्योंकि ये जो प्रोडक्शन है सौर ऊर्जा का, वैसे भी ग्लोबल यहाँ पे मंचों पर इसकी बात होती रहती है, रिन्यूएबल एनर्जी है, बहुत ज़रूरी है पढ़ना इसको। देखेंगे हमारा स्थान कहाँ है, हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं सौर ऊर्जा का, कौन सा स्थान रखते हैं। यहाँ पे क्या है, वर्ष 2023 में विश्व के तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में उभरा है। ठीक है, ये भारत के बारे में जानकारी है। ठीक है, भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है सौर ऊर्जा का। 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में जापान को पीछे छोड़ते हुए 113 बिलियन यूनिट का उत्पादन किया भारत ने। 113 बिलियन, बिलियन कितना होता है, अरब होता है ना, 113 अरब यूनिट है यूनिट। जापान ने 2023 में कितना प्रोडक्शन किया, इन्होंने 110 बिलियन यूनिट किया था, हम लोगों ने 113, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन साथ में बिलियन भी लिखा है तो ये भी ध्यान रखना है, 3 बिलियन यूनिट का फ़र्क है, तो वैसे तो पढ़ने में बहुत कम फर्क दिख रहा है 113 110, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा फर्क है। तो प्रोडक्शन में तीसरा स्थान हमारा है, सबसे ज़्यादा कौन करता है प्रोडक्शन सौर ऊर्जा का, चाइना करता है, चाइना वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश है। ठीक है, 2024 में उत्पादन देखिए इसका 584, बहुत फर्क है, लगभग 5 गुना, 584 बिलियन यूनिट भारत, और अभी तो ये 2023 होगा। ठीक है, 2023 होगा, भारत की विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा की जो हिस्सेदारी है, पार्टिसिपेशन है, 2015 में 0.5 थी, 0.5% थी, से बढ़कर वर्ष 2023 में 5.8 हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ रहा ना, 5.8% क्या है, जितना भी विद्युत उत्पादन होता है भारत में, विद्युत उत्पादन कोल से भी होता है, हाइड्रो से भी हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी से भी हो रहा है, तो यहाँ पे कुल विद्युत उत्पादन में जो सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी है वो है 5.8%, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए देखें यहाँ पे डैम्स के निर्माण पर रोक, यहाँ पे एक टॉपिक है, पहले न्यूज वाला हिस्सा देखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कलेसर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पे, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, देखें यहाँ पे कलेसर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, ये हरियाणा में स्थित है, हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है, तलहटी यानी फुटेज जो होता है। यहाँ पे देखिए राजा जी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, और सिंबल बारा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, इन दोनों से ये बॉर्डर शेयर करता है कलेसर वन्यजीव अभयारण्य, तो ये भी साथ में सीख लिया। अब इन जिन डैम्स पर रोक लगी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये देख लीजिए 4 डैम कौन कौन से हैं, चिकन डैम, कांसली डैम, खिलन वाला डैम और अंबावली डैम। इसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चिकन डैम या फिर कांसली डैम कहाँ पे स्थित है, तो फिर ध्यान आ जाएगा कि हाँ ये तो डिस्प्यूटेड है। ठीक है, ये प्रपोज्ड डैम था जिसको अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी इसके निर्माण पर, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लगेगा नहीं करंट अफेयर्स का है, ऐसे लगेगा कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बट वो करंट से रिलेट करेगा, कर लेंगे। आगे क्या है, किस नदी के ऊपर प्रति मिनट 28 बार बिजली गिरती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पढ़े थे कभी, पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, यहाँ पर सीख लीजिए, नहीं पढ़े हो तो, प्रति मिनट बहुत बड़ा डेटा है, तो वहाँ की स्थिति क्या होती होगी सोचिए। ये प्रति मिनट 28 बार जो लाइटनिंग हो रही है, बिजली गिर रही है, ये कैटाटुम्बो नदी के ऊपर
दिखती है, ठीक है, कैटाटुम्बो नदी। यह घटना वेनेजुएला में कैटाटुम्बो नदी के मुहाने पर, मुहाना क्या होता है, जहाँ पर नदी ड्रॉप करती है, ठीक है, अपना वाटर जो है वो वहाँ पर छोड़ती है। यह नदी माराकाइबो झील से मिलती है। मुहाना जो है ना वो माराकाइबो झील है इस नदी का, कैटाटुम्बो नदी का। माराकाइबो झील ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑयल प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। वेनेजुएला का ये एक तरीके से ये रिजर्व है ना, पैसे की खान है। तो समय मिले तो इसको यूट्यूब पर जरूर देखना। कैटाटुम्बो नदी लिखोगे ना तो ये अपने आप लाइटनिंग वाला टॉपिक खुल के आ जाएगा क्योंकि इसी के लिए जानी जाती है। अब लाइटनिंग देखिए ये होता क्या है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। बिजली बनने का कारण क्या होता है, ये हम लोग पैसे पढ़ के रखे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। गर्म हवाएं जब ठंडी हवाओं से मिलती हैं तो यहाँ टकराव होता है। इस टकराव से क्या होता है, एक प्रकार का तूफान उत्पन्न करता है। स्टेप बाई स्टेप लिखा है, देख लेना, पहला पॉइंट पढ़ना फिर दूसरा पढ़ना। टकराव से क्या होता है, तूफान उत्पन्न होता है, फिर बादलों का निर्माण होता है। तेज हवाओं और तापमान का आंतरिक संयोजन के कारण बादलों में इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है। ये जो आवेश है, विद्युत आवेश है, ये समझते हैं, विद्युत आवेश ही आपको बिजली के फॉर्म में दिखते हैं। लेकिन ये नीचे कब आते हैं, या ये चार्ज जो है, जब नीचे आते हैं ये चार्ज, तभी तो हमें बिजली दिखाई देती है ना। नहीं तो ये ऊपर बादलों में तो चलता ही है। तो ये जो बिजली है ये बादलों के अंदर भी हम लोग देखते हैं, नीचे सरफेस से देखते हो ना, बिजली जब कड़कड़ाती है तो ऊपर भी हमें लाइटनिंग दिखाई देती है, और नीचे जब आ जाती है, नीचे आने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बादलों के अंदर इतनी ज़्यादा मात्रा में बन गए हैं कि वो वहाँ पर सेचुरेशन में पहुँच गए हैं। तो जो अधिकता है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो फिर हमें नीचे गिरते हुए दिखती है बिजली के फॉर्म में। समझ में आया, बादलों में यही आवेश जब अधिक हो जाता है तो यह आवेश आकाशीय बिजली का रूप ले लेता है, ठीक है। बादलों से जो नीचे आते हुए बिजली देखते हैं उसका कॉन्सेप्ट यह है कि वहाँ पर अधिकता हो गई है, और सिर्फ अगर बादलों में बिजली दिख रही है तो इसका मतलब है अभी अधिकता नहीं हुई है। समझ आया, चलिए देखें। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, थैलेसीमिया इंपॉर्टेंट है भाई, 8 मई को ऑब्जर्व करते हैं। 2024 की थीम देखिए, जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को गले लगाना, सभी के लिए न्यायसंगत और सुलभ थैलेसीमिया उपचार। इतनी बड़ी थीम तो नहीं पूछने वाला वो, दिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ थैलेसीमिया डिसीज के बारे में देखना है, साइंस से यहाँ पे क्वेश्चन बना सकता है। सबसे पहली चीज़ ये वंशानुगत बीमारी है, पीड़ित बच्चों में जन्म से ही खून नहीं बनता। आपने देखा होगा इस तरीके के बच्चों को, उनको हर महीने खून चढ़ता है, वो जाते हैं किसी दूसरे शहर जाते हैं खून चढ़वाने, फॉर सर्वाइवल, उनको मतलब जीवित रहने के लिए प्रतिमाएं खून चढ़वाना पड़ता है, बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है। तो ये 2-3 बातें आपको थैलेसीमिया के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के बारे में देखिए, इनकी वजह से इंपॉर्टेंट है दिवस। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है, 12 मई को ऑब्जर्व करता है। एक फैक्ट 12 मई याद रखना है, दूसरा फैक्ट फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। इनके बारे में देखिए कौन है, इनके बारे में तो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ के रखे हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ब्रिटिश नर्स थी, ठीक है, ये सांख्यिकीविद भी थी, सोशल वर्कर तो थी, तभी हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है। लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है, ये फैक्ट भी हम लोग पढ़ के रखे हैं। लेडी विद द लैम्प इनको जाना जाता है, लेडी विद द लैम्प समझ रहे हैं ना, लैम्प लेके जाती थी, कैंप कैंप जाती थी, इलाज करती थी सैनिकों का। क्रीमिया युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल की वजह से इनको प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रधानमंत्री इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी रिपोर्ट। इन्होंने रिपोर्ट दी है धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी पर। ये थोड़ा सा जानना हम लोगों को जरूरी है कि क्या क्या पॉपुलेशन का यहाँ पे परिदृश्य है। कॉन्क्लूजन देख लेते हैं रिपोर्ट का, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। विश्व भर में बहुसंख्यक जो हैं, ये जनसंख्या में इनकी कमी हो रही है। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा तब ये काम आएगा ये पॉइंट, ठीक है। अगर सिर्फ सेपरेट क्वेश्चन पूछेगा तो फिर वो भारत के बारे में पूछेगा। भारत के बारे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या में 7.82 की कमी हुई है, ठीक है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी पर है, यानी यहाँ पे आपको धर्म के अनुसार पॉपुलेशन देखना है। हिंदुओं की जनसंख्या में 7.82 की कमी, 1950 से 2015 का डेटा है। 2011 में सेंसस हिंदू जनसंख्या लगभग 80% थी, तो एक फैक्ट याद रखना है। अब यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या कुल जनसंख्या की 9.84% से बढ़कर 14.095% हो गई। ये भी डेटा इसी टाइम फ्रेम का है, 1950 से 2015। 1950 में कितना था पूरी पॉपुलेशन का, 9.84% मुस्लिम जनसंख्या थी। 2015 में क्या है, 14% पॉपुलेशन है।
ठीक है, थी मतलब 2015 में। ईसाई के बारे में क्या है, ईसाई जनसंख्या 2.4% से बढ़कर 2.36 है। देखो ये डेटा याद नहीं रख पाएंगे आप परसेंट में, लेकिन आपको ये चीज़ रखना याद कि कौन बढ़ा है कौन घटा है, तो कम से कम काम बन जाएगा। तो यहाँ पे घटोत्तरी अभी आपने इंडिया के बारे में देखा है कि इंडिया की जनसंख्या, सॉरी घटोत्तरी हिंदू जनसंख्या में देखा है, दूसरा मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ईसाई जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है ना, सिख जनसंख्या में 1.24% से बढ़कर 1.85 हो गई है। ये सारा डेटा जो है वो 2015 से 2000 सॉरी 1950 से 2015 के बीच का है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे भी आप वृद्धि देख रहे हैं। बौद्ध पॉपुलेशन में 0.05% से बढ़कर 0.81% हो गई है, यहाँ पर भी आप वृद्धि देख रहे हैं। वृद्धि किस किस में देखें हैं, बौद्ध में देखें, सिख में देखें, ईसाई में भी देखें और मुस्लिम जनसंख्या में भी देख रहे हैं। तो अल्पसंख्यक तो यही है, तो अल्पसंख्यकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और मेजोरिटी जो है यानी बहुसंख्यक जो हैं उनमें कमी हो रही है, मेन पॉइंट तो यही है ना रिपोर्ट का। अब यहाँ पर देखिए जैन जनसंख्या 0.45 से घटकर 0.36 हो गई है और पारसी जनसंख्या 0.03 से घटकर 0.0004% घट गई है, यानी ये तो ख़त्म ही हो गए लगभग, 85% की कमी है, 85% की। तो यहाँ पे आपने घटोत्तरी किस किस धर्म के बारे में देखा है, धार्मिक जनसंख्या के बारे में देखा, पारसी जैन और हिंदू, ठीक है, ये तीन यहाँ पे सेक्टर्स हैं जिनकी जनसंख्या घटी है और बाकियों की बढ़ी है, ये मोटा मोटा इतना याद रखना है। कर लेंगे, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कमी किस में देखी गई है परसेंट के रूप में, तो पारसी लगा देना परसेंट के रूप में। कर लेंगे, चलिए थोड़ा TFR के बारे में देख लेते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट जो होती है इसको जानना जरूरी है, इसी रिपोर्ट का डेटा बता रहा हूँ, फिर हम लोग एवरेज देखेंगे। TFR समझ रहे हैं ना, TFR मतलब प्रति महिला कितने बच्चे हैं, तो 1995 में स्थिति, ये हिंदुओं की स्थिति है, 3.3 प्रति महिला, ठीक है, प्रति महिला यानी हर एक महिला के लगभग 3.3 बच्चे तो थे ही। 2015 में स्थिति में सुधार हुआ, 2.1 हो गया, ठीक है, 2.1 प्रति महिला, और 2024 में 1.9 और सुधार हुआ प्रति महिला, यानी लगभग 2 बच्चे बोल सकते हो। अभी 2024 की स्थिति में हिंदुओं में प्रति महिला ऑन एन एवरेज 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो उससे भी कम ही हो रहे हैं। चलिए हम मुस्लिम्स में देख लीजिए थोड़ा, 1995 में ये स्थिति 4.4 था, ठीक है, प्रति महिला, 2015 में इनमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ, 2.6 हो गया, 2024 में 2.4 हो गया प्रति महिला, ये इस रिपोर्ट ने बताया है। अब यहाँ पे हम लोग नेशनल लेवल पर देखें, एवरेज देखें, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 है, 2.0 चिल्ड्रन पर वीमेन, ये स्थिति है। इसके अनुसार ये जो हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ते हैं, अभी रिसेंट में कौन सा हुआ है, 5वें नंबर का, ये 5वां नंबर भी याद रखना है, 2019 से 2021 ये 5वां सर्वे था फैमिली हेल्थ सर्वे। इस सर्वे में बताया गया था कि ऑन एन एवरेज कितना है, 2.0 चिल्ड्रन पर वीमेन TFR। और अगर ये जो हेल्थ सर्वे 4थे नंबर का था जो 2015-16 में कराया गया था, इसके अनुसार था 2.2 चिल्ड्रन पर वीमेन, यानी TFR में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कर लेंगे, ये इतनी बातें थी मई सेकेंड वीक में, और अप्रैल मंथ का मैं कंपाइल वीडियो बना दूंगा करंट अफेयर्स का, उसको भी अपलोड कर दूंगा, तो जो लोग नए हैं उसको देख सकते हैं, एक साथ पूरा वीडियो मिल जाएगा, वीकली नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर वीक 3rd में, और इसके बाद फिर मिलेगा, हम लोग टेस्ट 3 कर रहे हैं ना दृष्टि का, साइंस का टेस्ट एक पार्ट और बचा है, लास्ट पार्ट बचा है 101 से 150 क्वेश्चन का, इसको रिकॉर्ड करूँगा, मिलेगा 1-2 दिन में, ठीक है, चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को शेयर करते रहें यार, है ना, लाइक आई करते रहें।